नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज दो राजनीतिक खबरें हैं और दोनों खासी मायने रखती हैं। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल के लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। सबसे पहले, बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री को एक नसीहत दी है और उन्होंने माना है कि देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय पंडित नेहरू आदर्श हैं इस देश के अंदर राजनीतिक सुचिता स्थापित करने के लिए। और दूसरी बात, नीतीश और तेजस्वी यादव साथ आ रहे हैं। साथ कैसे आ रहे हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर नितिन गडकरी ने क्या कहा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर, जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी आइडियल लीडर्स, ऑल पार्टीज मस्ट इंट्रोस्पेक्ट, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और वाजपेयी लोकतंत्र के आदर्श हैं, पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और उसके बाद इसके मायने क्या है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता दल और विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देकर लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये बात उन्होंने बुधवार को एक निजी न्यूज चैनल को साक्षात्कार में कही। आगे वो ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित नेहरू दोनों हमारी प्रेरणा है, दोनों हमारी प्रेरणा है। दोस्तों, हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में जो बात नितिन गडकरी कह रहे हैं, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृहमंत्री अमित शाह की ऐसी सोच है जिसमें विपक्ष के साथ लगातार टकराव बनाया जाए, विपक्ष के साथ किसी मुद्दे पर समझौता ना हो, प्रधानमंत्री को एक अकेला ईमानदार के तौर पर पेश किया जाए और बाकी सब खलनायक हैं। यही वजह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विपक्ष और सरकार के बीच में बिल्कुल भी एका स्थापित नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ टकराव का रास्ता अख्तियार करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। आज से कई साल पहले की बात है, लोकसभा में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह भाषण सुनिए। उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश बना रहना चाहिए। वाजपेयी आज जिंदा नहीं, हमारे बीच नहीं है, मगर वाजपेयी का यह भाषण किसी और को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को संदेश दे रहा है। सुनिए वाजपेयी जी ने क्या कहा था। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी अपने इस इंटरव्यू के जरिए यही संदेश दे रहे हैं। बात यहां नहीं रुकती, आगे वो क्या कहते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कृषि कानून बिल, तेल के दाम और पेगासस वायरस को लेकर विपक्ष की ओर से किए गए हंगामे पर गडकरी ने कहा कि अटल जी की विरासत हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि उन दिनों विपक्ष का नेता था और सदन को बाधित करने के लिए विपक्ष का नेतृत्व कर रहा था। इस दौरान मैं अटल जी से मिला और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह का आचरण सही नहीं है और जनता तक अपनी बात पहुंचाना भी महत्वपूर्ण है। आज नितिन गडकरी सिर्फ विपक्ष को संदेश नहीं दे रहे हैं, नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हट को भी संदेश दे रहे हैं। वो जो एक एरोगेंस आ गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कहीं ना कहीं ये संदेश उनके लिए है। आज के हम उस दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में विपक्ष और सरकार में किसी तरह का कोई एका नहीं है। आप जानते हैं, हाल ही में जो मॉनसून सत्र खत्म हुआ, एक एक बिल तीन तीन मिनट में पारित हुआ है, पांच पांच मिनट में।
ऐसा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार और विपक्ष में किसी तरह का एका नहीं है। और आपको याद होगा किस तरह से किसान बिल पारित हुआ था। विपक्ष कह रहा था कि हम इस पर मत विभाजन चाहते हैं, मगर ध्वनि मत से भाजपा ने राज्यसभा में उसे पारित करवा दिया। कितनी शर्म की बात थी। उस पर जिस तरह की चर्चा की जानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हुई। वापस उस पर विचार करने के लिए भेजा जाना था, नहीं हुआ। हकीकत यह है दोस्तों कि मोदी सरकार के अंदर, सरकार और विपक्ष में पूरी तरह से संवाद टूट गया है। और नितिन गडकरी कहीं ना कहीं यह संदेश अपनी खुद की पार्टी को दे रहे हैं, अपनी खुद की सरकार को दे रहे हैं। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। मगर भाजपा को यह सोचना होगा कि इनकी जो सियासत है इसके अंतर्गत आपने विपक्ष को तो अपना दुश्मन बना ही लिया है। अपने इन दो साथियों पर विश्वास कीजिए, ये आपके जन्म जन्मांतर के साथी हैं। शिवसेना, अकाली दल, आज ये दोनों पार्टियां आपके साथ नहीं है, दोनों पार्टियां आपके साथ नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के आसपास पार्टी को बनाया जाए, मगर ये करिश्मा बिखर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन आया था, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज से एक साल पहले 66% थी, अब वो गिरकर 24% आई है, यानी कि 40% की गिरावट, एक तिहाई गिरावट उनकी लोकप्रियता में। जिस दिन ये करिश्मा खत्म हो जाएगा तब भाजपा क्या करेगी, बताइए। हकीकत यह है दोस्तों कि आज की तारीख में आपने बहुमतवाद की राजनीति करके, टकराव की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आप वोट तो हासिल कर लेंगे, मगर जिस दिन जनता आपके प्लान को समझ जाएगी, जनता आपके मंसूबों को पढ़ लेगी, जनता जब मूर्ख नहीं बनेगी, तब यह करिश्मा कहां जाएगा, तब आप अकेले पड़ जाएंगे। नितिन गडकरी कहीं ना कहीं यही संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मैं आपको बतला चुका हूं अकाली दल इनके साथ नहीं है, शिवसेना इनके साथ नहीं है, और अब जो खबर आ रही है दोस्तों ये इनके लिए और भी चिंताजनक बात है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। जातिगत जनगणना, 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ होंगे। तेजस्वी यादव साथ होंगे दोस्तों, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पेगासस वाले मामले में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर कहा था इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने पेगासस जासूसी मामले में चिंता जाहिर की थी। पेगासस पे उन्होंने क्या कहा था आगे सुनाऊंगा मैं आपको, मगर यह मामला जातिगत जनगणना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। क्या हुआ यह खबर पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके जानकारी दी। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र मिलने की जानकारी दी गई है, अब वे इंतजार करेंगे कि कब बुलावा आता है। इसके बाद अब इस चीज पर गौर कीजिएगा, बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पीएम से मिलने का वक्त मिल गया है और उनके साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। क्या बतलाता है ये दोस्तों, तेजस्वी और नीतीश कुमार का एक मंच पर आना। नीतीश कुमार लगातार जो बयानात दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को असहज करने वाला है। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव से रिश्ते तोड़े थे तो उससे पहले उन्होंने नोटबंदी को अपना समर्थन दिया था और उसके कुछ महीनों बाद संबंध टूट गए थे लालू से। यानी कि संबंध तोड़ने से एक डेढ़ साल पहले नीतीश इस तरह की चीजें करने लगते हैं, और अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने पेगासस के खिलाफ बयान दिया। क्या कहा था पेगासस के मामले में, आप खुद सुनिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे, आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके
उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ। हकीकत यह है दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की इसी तरह से रणनीति जारी रही तो वो अलग थलग पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में, प्रधानमंत्री का करिश्मा आज है कल नहीं रहेगा, उसके बाद क्या होगा बताइए। नफरत के बल पर, लोगों को बांटने के बल पर आप कब तक अपनी राजनीति करते रहेंगे, यह आपको सोचना पड़ेगा। आज इत्तेफाकन मरहूम राजीव गांधी की जन्मतिथि है, जन्म जयंती है आज उनकी। और ये वीडियो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी अपनी जो उनकी पत्नी थी वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं, और फिर वो राजनाथ सिंह के साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, राजनाथ सिंह चाहते तो निकल जाते मगर वो सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे। भारतीय राजनीति के एक जमाने में ये खूबसूरती हुआ करती थी कि कम से कम ऐसे मौकों पर एक व्यक्ति जिसने जो आतंकवादियों के हाथ मारा गया, कम से कम उनके परिवार वालों के साथ आप खड़े रहे। और हम ये ना भूलें 2019 के चुनाव थे दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी को देश का भ्रष्टाचारी नंबर वन बताया था, भ्रष्टाचारी नंबर वन। यहां पर राजनीतिक शुचिता नाम की कोई चीज नहीं, एक व्यक्ति जो मर गया है उसके बारे में आप इस तरह का वाहियात बयान दे रहे हैं, और फिर इसकी कड़ी आलोचना हुई थी, तगड़ी आलोचना हुई थी। इसलिए दोस्तों मैं लगातार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विपक्ष और सरकार के बीच में जो दूरियां बन गई हैं उसे पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.